सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप से बढ़िया होंगे। तो आज मैं फाइनली निकल चुका हूँ राइड के लिए। अब जा रहे हैं, आगे कुछ बंदे और हैं अपने साथ। अभी तो फिलहाल अकेला हूँ मैं, अपने पीछे भी कोई नहीं है। इससे आराम से चलते हैं। अभी आगे मनीष एंड सचिन दोनों होंगे। तो अभी अपने को निकलना है रानीता साइड, तो फिलहाल उधर ही चलते हैं। अपना बाइक का हैंडल भी आवाज़ कर रहा है कि इस समय लगता है अभी ग्रीसिंग मांग रही है। पता नहीं कैसा एक सब प्रॉब्लम बाइक में भी आते रहता है गाइस, वो तो चलते रहेगा, प्रॉब्लम आते रहेगा, अपने को मेंटेन करना है पड़ेगा। जल्दी जल्दी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अपना ये बाइक का टायर चेंज कराए हैं, फिर ये वाला प्रॉब्लम आ गया। यानी कि एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है गाइस। सिंगल रोड है इसलिए अपने को स्लो ही जाना पड़ेगा यार। स्वास्थ्य तो आगे भगा देंगे, कोई बात नहीं, आगे हाईवे रोड मिल जाएगा। सचिन एंड मनीष वेट कर रहे हैं अपना वहाँ, पता नहीं अब पहुँचते हैं जल्दी। मैंने चार बार कॉल भी करी थी फिर भी उन लोग कॉल ही रिसीव नहीं किए, पता नहीं पहुँचे कि नहीं वहाँ। अब मैं ही पहले पहुँचता हूँ नहीं तो। अपने को जाना है यहाँ से लेफ्ट राइट वाला लगे जाता है जसपुर। लग रहा है अपने को वेट ही करना पड़ेगा अभी तक। सचिन एंड मनीष नहीं पहुँचे हैं। इधर से अपने को ऑफ रोडिंग का रोड मिल चुका है। ऑफ रोडिंग जितना ही मुरम वाला रोड है, रोटी वाला, यहाँ कॉल करके देखते हैं अब कितना टाइम लेते हैं इन लोग, तभी जाएंगे आगे। तो अपने को फिर से रिटर्न होना पड़ रहा है, कहा कि सचिन पीछे छूट गया है। कॉल तो करी थी सचिन ने भी लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया ना, जल्दी में था लगा इन लोग आगे होंगे, तो फिर से अपने को पीछे जाना पड़ रहा है। लग रहा है सचिन हमसे पहले पहुंच चुके हैं वहाँ पे, काफ़ी देर से वेट कर रहा होगा। वहाँ पे है सचिन, सचिन हो रहा हो, कुछ पॉलिथीन कुछ पकड़ा है। ये रहा सचिन, अपने लिए कुछ नाश्ता भी लेके आया लग रहा है और कुछ सामान भी लिया है। रुको घुमाने दे लो। हेलो
अगर मैंने न्यू ट्रेनर लगवाया होता ना तो दिमाग ख़राब होता है सर में, तो स्लिप तो नहीं करता है भाई, यानी कि पुराना टायर का तो पूरा ग्रिप ही ख़त्म हो गया था ना, गुटी जितना भी था। देख रहे हैं कैसे है यहाँ का रोड, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन वाला है प्लांट, यहाँ का पेड़ तो जबरदस्त लग रहा है, दोनों साइड से बीच में छाया ही छाया, सभी जगह ऐसे होता तो बहुत मज़ा आता है कि रोड में चलने वालों को यार धूप तो नहीं लगता ना। तो अभी अपने साथ पीछे में है, पीछे सीट में सचिन, मनीष तो चल दिया। यहाँ का ये पेड़ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये रानीदर का ये फर्स्ट शुरुआत वाला है, द्वार वाला, द्वार ही बोल सकते हैं ना, टिकट लगता है यहाँ पे रानीदर ये घुसने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं है आज। ये रहा रानीदर मंदिर, हाँ तो हॉर्न देना जरूरी है। आज तो भीड़ ही नहीं है पता नहीं किसे, नहीं तो डेली भीड़ रहता है यहाँ तो। ऐसे करते हैं यहाँ, ऐसे पानी आ रहा है कि अपना बाइक को भी वॉशिंग कर लेते हैं लग रहा है यहाँ। रानीदा का जबरदस्त सीन है इधर, तो गाइस आए हैं तो यहाँ अपना ये बाइक को ही धो लेते हैं, पाइप की काफी गंदी भी हो चुकी है ना यहाँ, स्लिप कर रहा है इसमें। स्लिप कर रहा है इसलिए पानी मार लेना ज़रूरी है यहाँ पे। अपना बाइक ये पूरा ये धूल ही धूल हो गया है। अब सचिन ने फिलहाल बाइक में पानी मारना शुरू कर दिया है, अब कोई नहीं पहचानेंगे बोलकर मास्क लगा लिया है, देख रहे हैं इसे अपने प्यार से बाइक को पानी मार रहा है। अब आगे साइड में पानी मार रहा है, अब इसका हेल्प हम भी करते हैं, फिलहाल धो ही लेते हैं। हम लोग को डब्बा लेके आना चाहिए था, लेकिन डब्बा लेके नहीं आएगा ही कि पानी मारना बाइक में नहीं बन रहा है अच्छे से, हाथ से मार रहा है फिर कितना पानी भी जाएगा। सो हम यहाँ से फैले निकलते हैं, तो ये सब अभी फिलहाल रानीदा से निकल चुके हैं, तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।